आज क्या चल रहा था, पावर आईसी का बूट सीक्वेंस। जो बूट सीक्वेंस है ये मिलेगा आईसी की डेटा सीट में। अब देखिए, मैंने लिखना कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। पहले दिन पे दिन मोबाइल अपग्रेड होते चले जा रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नई नई मार्केट में आईसियाँ आ रही हैं, नए नए नंबर की आईसियाँ। तो आज तो हमने यहाँ पे आपको कुछ पावर आईसियों पे आपको काम सिखा दिया। इन फ्यूचर अगर कोई नई पावर आईसी आती है या उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जानना है तो कैसे जानेंगे? डेटा सीट के ज़रिए। डेटा सीट में किसी भी कंपोनेंट या आईसी, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे डब्ल्यूटीआर हो, और चाहे आपकी पावर हो, चाहे चार्जिंग हो, हर एक आईसी की डेटा सीट हाँ आपको गूगल पे मिलेगी, या तो कुछ फ्री में मिल जाएंगी और कुछ पैसे पे करके मिलेंगे, और कुछ तुम्हारे बोर्नियों के अंदर भी दी गई है डेटा की सीट। तो डेटा सीट इन फ्यूचर एक ऑप्शन है आपके पास कि अगर कोई नई आईसी मार्केट में आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा सीट को रीड करना पड़ेगा। अब डेटा सीट क्या होती है, आईसी की पूरी कुंडली होती है, आईसी की पूरी कुंडली। हाँ, 50, 60, 70, 80 सीपीयू है तो 250 पेज की एक कुंडली होती है। तो अब उसमें कितना पॉइंट रीड किया जाए, क्योंकि सब कुछ गुड मॉर्निंग सर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और मैं मतलब का भी नहीं है, हमें अपने मतलब के हिसाब से डेटा सीट को रीड करना रहता है। ठीक है, तो इन फ्यूचर जैसे मान लीजिए यहाँ से जाने के बाद कोई चाहता है कि हम किसी को ट्रेनिंग दें या सिखाएं उसको, तो अब वो कहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन लाएगा? बार बार हमसे थोड़ा ना पूछेगा कि सर ये बता दो, स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आईसी की डेटा सीट आपको डाउनलोड करनी है और 2-3 दिन 4 दिन अपना उसके ऊपर जो है रिसर्च करो, पढ़ो उसके बारे में कि आईसी कैसे काम करती है। समझ में आई बात? तो जो भी नया अपडेट आता है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मार्केट में, जैसे लोग हैं, हम हैं या और भी कोई टीचर है या कहीं से भी इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम लोगों के पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन, डेटा सीट से आती है। ऐसा तो है नहीं कि हम अंतर्यामी हम जान लेते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है कि नहीं है, तो डेटा सीट आती है। और टेक्नोलॉजी रात दिन अपग्रेड होती रहती है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आता है, उस पर हर एक नए पुरानी टेक्नोलॉजी का अपडेट आता रहता है। और शायद ऐप, अब ऐप भी बंद हो गया है, वो वेबसाइट पे आ गया XDA। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कब नया आ गया, ठीक है, कौन सा वर्जन OS का लॉन्च हुआ, कौन सा IOS आया, कौन सा टेक्नोलॉजी आ गई, I2C प्रोटोकॉल आ गया, SPI या उसके ऊपर कोई आ गया। तो इस वेबसाइट पे थोड़ा बहुत आप नए नए चीज़ें, या किसी को YouTube पे वीडियो बनाने हैं कि नई इन्फॉर्मेशन आई है तो हम कहाँ से कोई टॉपिक उठाएं, तो ये वेबसाइट है XDA। तो नई नई चीज़ें अपडेट यहाँ पर आती रहती हैं। 6 महीने तक का कोई मतलब की चीज़ ना है, और इतने में आप बोर हो जाओगे, अरे बेकार है, क्या मतलब देखने से। XDA पहले इसका एप्लीकेशन आता था, अब नहीं आता। ये देखिए, एक इन्फॉर्मेशन आई, AMD ओनली नीड, AMD का कोई CPU कोई अपग्रेड उसके अंदर आया और यहाँ पर उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। कोई ये कोई गैजेट आया है लेटेस्ट, तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, CPU टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी अब आप इसको पढ़िए। समझ में आई बात कि नहीं आई? कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी और आप उसको रीड करते रहिए। अब जैसे यहाँ पर ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग पे ही है, हाँ ठीक है। और विंडो में क्या क्या अपडेट आए, जो भी है इस पर आप पढ़ सकते हैं। एक ये मैक डिवाइस ऐसी आ रही, पढ़िए इसके बारे में जितना जान करना चाहिए। कुछ ChatGPT की वजह से कुछ वर्क है, कुछ माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ लॉन्च किया है, देखो ये आ गया, डेल का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके बारे में। मतलब कि जो भी चीज़ें रहेंगी वो सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये आप पढ़ सकते हो, जानकारी ले सकते हो, अगर आप वीडियो वगैरह बनाना चाहते हो इन्फॉर्मेशन के वजह से, तो यहाँ पे आप पढ़िए और उसके यहाँ पे चीज़ें आती रहती हैं। तो साल 6 महीने में 1-2 बार इसको देख लिया करना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो डेटा सीट ये इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट या कोई भी डिवाइस बनाई जाती है सबसे पहले उसकी डेटा सीट तैयार की जाती है। तो चलिए हम एक यहाँ पे पावर आईसी के डेटा सीट को डाउनलोड करते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे काम की हैं, कि क्या क्या चीज़ों को हमें रीड करना है। चलो यहाँ पर रेडी, PM 83 इसको कर लेते हैं डाउनलोड, ओपन करते हैं। तो ये 82 पेज की है, कितने पेज हैं इसके अंदर, 82 पेज हैं इसके। और अब स्टार्ट करिए इसको रीड करना, तो शायद 82 पन्ने अभी आपने हार्डवेयर में ही नहीं पढ़े हैं, भरे हैं आपके, बताइए पहले तो समझिए। देखिए पहले अभी इतना झामताम है और सब इंग्लिश में है, तो अपना फ्री में जब आप बैठेंगे फ्री टाइम पे तो फिर इसको पढ़िए भाई 82 पेज, और बन जाइए साइंटिस्ट।
नहीं कहते डीप नॉलेज चाहिए सर जी, डीप नॉलेज चाहिए, है डीप नॉलेज पढ़िए। तो कहने का मतलब आपको अगर जानकारी चाहिए डीपली तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या कि इसमें पढ़ा क्या जाए, इतने पेज में तो पढ़ेंगे तो शायद महीना भर तो लग ही जाएगा पढ़ने में, फिर समझने में, ठीक है। तो बात बाकी आपके पास ऑप्शन है कि जितना चाहो आप रीड कर सकते हो। हम आपको यहाँ पे जो काम की जो चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, वो हम आपको लिखवा देते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग के करने के लिए या इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कौन कौन से हमें पॉइंट्स को जो है नोट करना है, उनको रीड करना है। हाँ मेन मेन, ठीक है। तो जहाँ पर डायग्राम बनाया है, ठीक है, वहाँ पर लिखिएगा पावर आईसी का काम, क्या काम है। तो पाँच इसके मेन काम है, देखिए, फाइव मेजर फंक्शनल ब्लॉक्स, इनपुट पावर मैनेजमेंट, आउटपुट पावर मैनेजमेंट, जनरल हाउस कीपिंग, आरडीओ और आईसी लेवल इंटरफेस। ये पांच पॉइंट लिखिए। इंटरफेस की जहाँ पे बात आएगी तहाँ पे प्रोटोकॉल समझिएगा, इंटरफेस का मतलब बातचीत। अब डालिए हेडिंग, डेटा सीट में रीड करने वाले पॉइंट, पावर आईसी की डेटा सीट में रीड करने वाले पॉइंट। तो क्या क्या हम जो है इसको रीड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, आईसी का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, आईसी का फंक्शनल ब्लॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है इसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम कि इस आईसी के अंदर कौन कौन से फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया, कि जो पावर आईसी है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है। तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करते हैं।